खाने वाला बंदा हूं। कमाने खाने वाला तो साले भूख क्यों मांगे दहेज के नाम पे? भाई मैंने कभी भूख क्यों मांगे? ये कुछ नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? मैंने थोड़ी कुछ किया है। उम्र जितना है ना तुम्हारा उतना उम्र में पता तुम्हारे साथ क्या करते हैं? क्या करते हैं? मार के धज्जी मारेंगे। मेरे को मारोगे? किसको? मेरे को इसी के लिए नहीं, अब अच्छा लग रहा है? पोती की आंसे पीट रहे हो? पोती की आंसे पीटना अच्छा लग रहा है ना? और ज्यादा बोलेगी ना अभी धक्के मार के भगा दूंगा तेरे को, तेरी बच्ची को। तुम्हें असलियत बता, असलियत क्या है क्या नहीं है? क्या जब भी देखो मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलती रहती है। अपनी माँ का दिखा दो, कितनी क्या बोलती क्या नहीं बोलती। तुम चले जाते हो, सब कुछ दिखाई देता है। तो मैं भी तो माँ हूँ ना, एक मैं माँ नहीं हूँ? मैं भी तो एक बाप हूँ ना। तो अपनी लड़की का दिखाई देता क्या है? बोलती रहती है, एलिगेशन लगाती है। मैं एलिगेशन कोई एलिगेशन लगा रही हूँ? मेरी लड़की इतनी समझदार हो चुकी है, वो खुद बोलती है अपनी दादी को देख के ना, वो कहती है कि मुझे ऑफिसर बनाओ, मैं जेल भिजवाऊंगी दादी को। तू सिखाती है इसको? मैं कुछ नहीं सिखाती, मैं सिखाती हूँ बेटा आपको, मैं कुछ नहीं सिखाती हूँ उसे। मैं चला जाता हूँ बाहर और तुम दोनों माँ बेटी बैठ के अकेले पता नहीं क्या क्या कुछ। मैं ही मेरी एक बेटी पैदा हुई है क्या? तुम्हारी माँ की बेटी नहीं हुई क्या पैदा? मेरी बेटी है ये, लेकिन मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा क्यों बोलते? मैं मम्मी के बारे में तुम्हारी क्यों बोलूंगी? अपनी मम्मी को देखो पहले, है कैसी वो? सुन इधर 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 सुन, नाम क्या बताया तुमने? क्या नाम है इसका? क्या नाम है? नीरज। मेरी माँ के बारे में हमेशा उल्टा। सुन, मेरी माँ साले कमीने खबीस, साले छोटी बच्ची है, 5 साल 6 साल, कितना उम्र तुम्हारा बाबू? 7 साल की है ये लड़की और ये तुम्हें लग रहा है कि झूठ बोल रही है? भाई मैं साले खबीस क्यों ला तुम? कब से बोल रहे हैं? चुप रहा। मैं ये नहीं बोल रहा, ये झूठ बोल रही है। झूठ क्या? हमेशा मेरी माँ को लेके बोलती रहती, मुझसे लड़ती झगड़ती रहती। मैं झूठ नहीं बोलती भैया, मैं सच बोलती। मेरी बात पे विश्वास नहीं करते हैं बिल्कुल भी। झगड़ती है भाई, मैं इनको किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ता हूँ, फिर भी मेरे को मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलती। तुम्हारी माँ मुझसे रोज लड़ती है, परेशान करती है, धक्का देके भगाती है, ऐसी बातें बोलती है। तुम्हारी माँ इसका दहेज मांग रही है, इन्हें समझ में नहीं आता है। मुझे कहते तू कुछ लेके नहीं आई अपने घर से? काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ। बेटी है सारे, पता है तेरा किस्मत इतना अच्छा है कि इतनी अच्छी बीबी और इतना अच्छा बेटी तुझे मिल गई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर इंसान की माँ गलत होती है, हर इंसान की माँ सही होती है, मगर मैं ये कह रहा हूँ साले जो सच है सच का साथ दे, चाहे वो कोई भी इंसान सच्चा हो, सच का ही साथ दे। चुप चुप, जब सच पता लगेगा ना, सच पता लगेगा तो आंखें खुल जाएंगी। चुप ना, बोले जा रहा है। ये बेटी मेरी थोड़ी अकेली की, तुम्हारी भी तो है क्या? बाबू मेरी बेटी नहीं है। बाबू दादी तुम्हें कुछ बोलती है? क्या क्या बोलती है? कुछ बात बताओगे दादी के बारे में? क्या क्या बोलती है दादी? दादी कहती है मैं आपको बाल काटूंगी। अच्छा, दोनों को मारती है दादी? और सुना सुना को कोई नहीं कोई नहीं, तुम परेशान मत हो। जो सच होगा झूठ होगा साले, यहाँ पे जब बैठा हुआ है फैसला करने के लिए तो चुपचाप बैठ के सुनना कान से। कहाँ सुनते हैं, दिन में माँ लड़ती है, चाय पता नहीं क्या चाय किए जा रहे हो। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ इंसान, क्या कुछ हो रखा है बहन बताओ आप? भैया मेरी शादी हुई थी, हाँ। इनके मर्जी से हुई थी। अच्छा, घर वालों की, मेरे पापा ने जितना बना उतना दहेज दिया है। हाँ। अब एक साल पापा, घर वालों ने दिया है, कितना दहेज दिया है? जितना इन्होंने मांगा तो उतना ही दिया है, लेकिन अब इसकी दादी ये कहती है कि बेटी पैदा हो गई है तो इसका दहेज दो। करे तुम्हारे ऊपर मेरी माँ ने रखा होगा, मैंने 1 रुपया भी डिमांड नहीं रखा मैंने। अच्छा ठीक है ना, मैं खुद कमाने खाने वाला बंदा हूँ। कमाने खाने वाला तो साले भूख क्यों मांगे दहेज के नाम पे? भाई मैंने कभी भूख क्यों मांगे दहेज के नाम पे? कमाने खाने वाले बंदे हैं,
हाँ, उसके पास जो दहेज मिला वो पचाने वाले बंदे हैं, अब पचा के हक दीजिए अब। साले दहेज मांगना है, फिर बहन क्या हुआ? लड़की पैदा हुई है, जब से लड़की हुई है जब से मुझे कह रही लड़की पैदा कर दी है, लड़की पैदा कर दी है। साथ वाली बहू की लड़की हुई थी, उसको घर से निकाल दिया उसको ससुराल वालों ने, तो मैं भी तुझे घर से निकाल दूंगी। यहाँ पे इस बेटी का ना अपने बाप से इसका दहेज भी इकट्ठा करेगा। साले किस्मत अगर तेरा अच्छा होगा ना तो ये बेटी तेरे को करोड़पति बना देगी। लक्ष्मी है घर की लक्ष्मी। मैंने कभी भाई तेरे को प्यार में कोई कमी करा है तो बस? हाँ तो दिख रहा है, तो माँ को लेके था। तो विश्वास तो करो, प्यार करो, विश्वास करो बच्चे पे अपने पे। बाबू कौन है ये? पापा के पास जाओ। नहीं जाना, हाँ नहीं जाना, कल जाओ, जाओ पापा के पास, जाओ जाओ पापा के पास, जाओ पापा के पास। नहीं जाएगी वो, ये रखते ही नहीं प्यार से, रहते कहाँ हैं? दिख रहा है कितना प्यार करते, तुम्हारे गोद में आने को तैयार नहीं हो रही है। अब बस आता मम्मी की बात माननी है। मम्मी मम्मी बुलाओ, बुला के दिखाओ। आओ बेटा, क्या बुला के दिखाओ? पापा हूँ ना। जाओ पापा के पास जाओगी? आओ ना। अरे वो मैं काम में बिजी रहता हूँ ना, सारा दिन उसके पास रहती हूँ। अगर प्यार रहता है ना साले, भग के तेरे गोद में आती, तेरे को साला किस्मत वाला कि बेटी पैदा हुई घर में लक्ष्मी हुई, साला इज्जत करना सीख इस चीज का, समझे? ऑफिसर वाला बात मिलेगा फिर। मतलब फिर क्या हुआ, कैसे हुआ फिर? ये लड़की के लिए मुझे कहती है तेरे बाप ने तेरा कर दिया ना, अब तेरे बाप से बोल अपनी 23 लड़की का ना वो ही तेरा बाप ही करेगा दहेज पैसा कट्टा। अच्छा। मेरा बेटा नहीं करेगा, हम कहाँ से करेंगे? मनुष है ये, तूने मनुष लड़की पैदा कर, जब से हमारे घर में आई हमारे कर्जा हो गया, ये हो गया, कभी कर्जे के नाम पे कभी 10,000 कभी 20,000 मैं ला ला के देती रहती हूँ अपने ससुराल से, अपने अपने पियर से, पापा से। खाली यही तो दहेज में आते हैं। एक अगर FIR कर दो ना आप इसके ऊपर, साले तू तेरी माँ पूरा खानदान तेरा साला चक्की पीसेगा। बस मैं इसलिए लाके दे देती हूँ कि मुझे घर से ना निकाल दे, मेरी बेटी को घर से ना निकाल दे, मुझे घर से निकालने की धमकी देती है। पढ़ती लिखती है, स्कूल में है? हाँ जी अभी पढ़ती है, छोटी की। अच्छा कितने, कौन से? सेकंड में पढ़ती हूँ। ये तो बहुत बोलती है, कहती है मम्मा मुझे पढ़ाओ, मुझे ऑफिसर बनाओ, मैं दादी को जेल भिजवाऊंगी, पर मैं बच्चों को शिक्षा ऐसी देना नहीं चाहती। सच के खिलाफ ना खड़ा होना सीख। अभी जो सच होगा ना, मैं अगर माँ सच होगी तो माँ के साथ रहूंगा, बीवी सच होगी तो बीवी के साथ रहूंगा, मैं सच्चाई के साथ रहूंगा। सच्चाई देखो तो सही, पहले देखो तो सही सच्चाई। एक काम करिए, फोन करके आप अपने सास को बुलाइए, ठीक है? उसके बाद एक बार देखिए, मेरे बोलने से वो नहीं आएंगी, अगर मैं बोलूंगी ना पैसे आ गए हैं तब वो बहुत जल्दी आएंगी। ठीक है बोल दो, बोलो कि मैं अपने ससुराल से 50,000 रुपए मंगवाई हूँ, आपको देना है, और फिर मुझे आज वापस ससुराल जाना है, इसलिए मैं घर नहीं आ सकती, ठीक है? मैं आधे रास्ते में हूँ, यहाँ का एड्रेस दे दो, और जो भी चीज़ होगा ना उनको बुलाओ, और यहाँ से फिर उनके सामने रखो कि पैसा नहीं है ये है, फिर उनका रिएक्शन देखना है, ठीक है? दोस्तों तकरीबन आपको समझ में आ चुका होगा कि ये लोग यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं, ये साला खब्बीस की औलाद क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। आपको आज सामने दिखाता हूँ, इसकी माँ जब आती है और दहेज के लालच में ना इस साले सबको जेल में भेज देंगे, इसकी और इसकी माँ को, इसके खानदान को। एक जाके FIR कर लो बहन, और आज के बाद सुन लो बहन, एक रुपया भी अगर दी अपने ससुराल से इसके घर पे, एक रुपया भी दी, मुझे घर से निकालने के, तुम गलत हो यहाँ पे, फिर मुझे घर से निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तुम मुझे बोलो, FIR करेंगे साले को जाके, केस डालेंगे साले। अब फोन करके बोला, अब बोला कि 50,000 रुपया देना है। हाँ भाई ले आइए पैसे, पैसे पैसे करते मम्मी, कम से कम बात तो सुनो, बैठो तो। क्या बात सुनो, तूने बोला ना कभी पैसे लाई हूं मम्मी, पैसे लाऊंगी ना मैं दे दूंगी, मैं लाई हूं पैसे, मैं कब लाएगी? अरे भैया लेके आ रहे पैसे, पैसे मंगाए हैं मैंने, कितनी देर हो गई? अरे आ रहे आपके पैसा, पैसे उचित मोरो पैसे आपके, अब ये बताओ मैं कहां जाऊं, मैं करूं लड़की को भी, ये तो मेरी तो बेटी, मैं कहां लेके जाऊंगी इसे, भी ये करना है, क्या करना है इसको, इसको हाथ मत लगाओ, इसको मत डालो, आपने पहले इसको चोट मारी हुई मुंह पे, ये मनुष्य थोड़ी है, आप मनुष्य हो ना, आपकी बेटी को कोई मनुष्य बोले तो, तेरी मनुष्य लड़की है ये, मनुष्य लड़की, आपकी बेटी मनुष्य नहीं है, मेरी बेटी का मनुष्य तू है, और तेरी बेटी भी है, ये आपके बेटे की नहीं है, आपके बेटे की लेके क्या आई, जितना आपने मांगा था ना उतना मेरे पापा ने दिया है, कितना लाई तू, आपने जितना मांगा था उतना दिया है, बल्कि मैंने क्या मांगा था आप तो जितना अपने बोलते हो दिया तो सही मेरे पापा ने, और मैं कितना लाके दूं, आप जब बोलते हो 10,000-5,000 आपको लाके देती तो और कितना लाके दूं मम्मी मैं आपको, नहीं तो अब ये पैदा हुई है तो इसका कौन लेके आएगा, इसका आपको बेटे करेंगे ना, इसके पापा करेंगे, इसके पापा करेंगे, तेरा बाप करेगा ना, मैं मम्मी को मारूंगी, क्यों क्या कर लेगी तू मेरा,
करेगी तू? इसको इसको आप कुछ मत बोलो, इसको मत बोलो कुछ भी, आप इसको मत बोलो, नहीं इसको नहीं बोलो कुछ भी। ये थोड़ी कुछ करती है, ये कहां से छोटी बच्ची है? वो बच्ची है, तूने इसको बच्चे 7 साल की बच्ची हो गई अभी, ये बच्ची है आपने इसको मत बोलो आप कुछ भी, इसको मत बोलो। क्यों ना इसको भी मैं बताऊं, ये मम्मी बहुत छोटी है अभी, बता रही हां हां हां, तू छोटी है, आपको अच्छा लग रहा है बच्चे को मार रहे हो? मारूंगी तो तभी तो तेरे को अंदर से होगा कि हाँ मार पड़ी मेरे खून है। मैं ना इसको लेके कहीं भी चली आऊंगी, इसको पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी सब कुछ करूंगी। मुझे पैसा चाहिए और इसको भी लेके जा साथ में, ये मेरे घर में। मैं ना तुम्हारे बेटे को साथ में रहूंगी, उसी के साथ रहूंगी। तुम्हारा बेटा भी मेरे साथ जाएगा। कहाँ जाएगा? वो भी मेरे साथ रहेगा, वो रहेगा। मैं उसी की तो बीवी हूँ, पति है वो मेरा, वो पति तो मेरा। मैं कहाँ जाऊंगी फिर? मुझे नहीं पता, तू कहीं भी जा, इसको भी साथ में, मनुष को, ये मनुष है ना, इसको भी लेके जाइयो कहीं। अच्छा? ये इसको भी लेके जा, इसको हम कहाँ जाएंगे दोनों माँ बेटी, हम कहाँ जाएंगे? जा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं इसको लेके कहाँ जाऊंगी ये बताओ ना, बहुत छोटी है ये, ये पढ़ रहे पढ़ रही, ये पढ़ रही है, कहाँ पढ़ाया ये पढ़ रही है अभी, पढ़ रही है किस में पढ़ रही है, मुझे पता लग गया कहाँ पढ़ रही है ये स्कूल जा, इसके पापा कह रहे हैं मम्मी से घर जा, आप क्यों कर रहे बोलते हो? 7 साल की हो गई इसको, हमने पाला ना, चले माइक तो आपका ही तो खून है, आपके बेटे का ही तो खून है ये, खून है तो पैसा नहीं लाएगी वहाँ से, इसकी शादी नहीं करनी, घर को पढ़ाने नहीं करूँ, कौन कर कहाँ से करेगा ये? मैं कहाँ चलाऊँ, एक बात बताओ आप, अपने बेटे से बोलो ना ये बात, बता, ये कुछ नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? इसको नहीं मारो, ये मेरी बेटी है ना, मेरी बेटी को क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया, तू मुझे क्यों मार रहे हो? नहीं पता, तू जा, मैंने नहीं करा कुछ भी, मैंने उम्र कितना हुआ आपका? क्यों मेरी उम्र किससे क्या लेना देना? अरे इस उम्र में क्या करोगी पैसा लेकर बुढ़िया? क्या करूंगी बुढ़िया, बुढ़िया को पैसा नहीं चाहिए, कुछ काम नहीं, खाना पीना कुछ नहीं चाहिए, इनके काम, इनके काम आना है, बच्चों को मार रही है, इन्हीं के काम आना है, इन्हीं का करना है, बोलते बोलते थक गई तुम्हारी मां, मुझे परेशान कर रही है मैं इनका, बात तो सही है आपकी, मैं रोज बोलती हूं मेरी बात कभी विश्वास नहीं करते कभी भी, पता है मनुष्य पैदा कर दिया, ये मनुष्य नहीं है, मेरी बेटी को मनुष्य मत बोलो, मेरी बेटी को मनुष्य मत बोलो। इधर आ, ये मनुष्य है ना, तू कौन? मैं तो मनुष्य हूँ। तू इधर, तुम भी तो औरत हो। ये मनुष्य तू कौन? मैं उम्र जितना है ना तुम्हारा, उतना उम्र में पता है तुम्हारे साथ क्या करते हैं? क्या करते हैं? मार मार के धज्जा उड़ाते हैं। मेरे को मारेंगे, मेरे को मारोगे? किसको? मेरे को
इसको तुम्हारे चक्कर में देखो मुझे पिटना पड़ रहा है। शर्म आया नहीं है? मेरे को सब है। तुम मार नहीं मार के नाम पे दबाओ कलर को। नहीं पता कि कैसे करते हैं। एक औरत होकर मार नहीं सकता। अगर तुमको मैं मारूंगा तो तुम आज ही परलोक सिधार जाओगी। अच्छा। पता है बदले में क्या करूंगा? बदले में इसको मारूंगा। क्यों मारेगा? मेरे बेटे को क्यों मारेगा? हाँ तुम्हारे बेटे को कोई मारे तो तुम्हें दर्द हो रहा है? तुम मेरी बेटी को मारती हो? तुम भी तो मेरी बेटी को मारती हो? इधर इधर क्या? इस उम्र में छोटी बच्ची के का दहेज मांग रही है बेशरम औरत। तो दहेज नहीं मांग रही है, करना नहीं है। आ? इनकी शादी वादी कुछ करनी नहीं है कुछ। इसी के लिए सोच रही थी। इसी के मरवाए 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 नहीं अब अच्छा लग रहा है। पोती की आंखें पीट रहे हो? अच्छा, पोती की आंखें पीटना अच्छा लग रहा है ना? हाथ नीचे। यार छोटी पोती तुमको अगर मारेगी तो कैसा लगेगा बुढ़िया? मेरे बेटे को क्यों मारे? क्यों मारे बता? इधर आ, मर जाऊंगा। पता है जब बेटा बेटी गलती करता है, जब छोटा सा बच्चा रहता है ना, जब गलती करता है तो उसका पता है किसको कंप्लेन किया जाता है? उसके माँ बाप को। और जब माँ बाप गलती करता है बूढ़ा हो जाने के बाद तो उसका गलती पता है किसको किया जाता है? उसका कंप्लेन किसको किया जाता है? इस जैसे नलायक को। मेरे बेटे को मत मारो, मेरे बेटे को मत मारो, मेरे बेटे को। हाथ नीचे। नहीं 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 नहीं, हाथ नीचे, हाथ नीचे। मेरे बेटे को मत मारो, मेरे बेटे को मत मारो, मत बोलो। मुझे तुम्हारे को माँ बोलने में भी घृणा है। बुढ़िया तेरा जो फिल्म है ना दहेज का, पूरे दुनिया को दिखा रखे वहाँ। देख कैमरे किसने लगवा दिया? मैंने लगवाए थे, मैंने लगवाए थे। तुम मेरी पोती को मारती हो ना तुम, इस मनु इसे मनुज बोलती हो ना तुम? नहीं है। और उसे कोई घर से निकाले? प्यारी लक्ष्मी घर में आई है और प्यारी लक्ष्मी को छोड़ तुम इसको घर से बाहर निकालना चाहती हो? नहीं मैं, माफ कर दो मुझे, माफ कर दे। मारोगी बाबू? मारोगे दादू को? हाँ देख, वो भी हाँ बोलती है दादू। कैमरा देख के ना रंग उड़ गया। क्या मांग रहे हो इनसे? मांगो ना जिनसे रात दिन तुम मारती थी। नहीं मेरे से दूर रहो, मेरी बच्ची से दूर रहो तुम, मेरी बच्ची से दूर रहो, दूर रहो। मेरे हमारे हाथ मत लगाओ, हम गंदे हैं, हम लोग तो गंदे हैं ना। आप हाथ मत लगाओ हमारे, इसके हाथ मत लगाओ। पैर पकड़ पोती का, साले बुढ़िया। हार जा, पकड़ने के लिए तैयार हूं, मत करो। मेरी बेटी का मत लगाओ। मेरी बेटी को मनुज बोलता ना, इसी मुंह से मनुज बोलता तुमने मेरी बेटी को? साले बेशरम इंसान, ले जा अपनी माँ को। भाई मुझे अपनी ले जा अपनी माँ को। मेरे साथ रहना या इनके साथ रहना ये बताना बस लास्ट। बीवी बच्चों के साथ रहना भाई, मुझे बीवी बच्चों के साथ रहना ये करना है। और इनके साथ रहोगे तो मैं नहीं रहूंगी। देख लिया तेरे कारण तेरा बेटा का क्या हाल हो रहा है बुढ़िया? माफ कर दे भैया मेरे को, बेटा मेरे को ही माफ कर दे। नहीं करूंगी आगे से। छोड़ उसको, छोड़ उसको अब, मुझे माफ कर दे। हमारे साथ रहना तो हमारे पास रहो, इनको इनके साथ जाना तो इनके साथ जाओ, हम अकेले रह लेंगे। मैं इसको अकेले पाल लूं। बहन जाने दो, माफ करो इस उम्र में। भैया मेरी लड़की को इतना मार रही है, सटक जाता है बुद्धि ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है इस उम्र में। अकेले में क्या करेंगे मेरी बच्ची के साथ ही? तुम बच्ची को तुम दिन रात मार रहे हो, तुम्हारे को बिल्कुल भी शर्म नहीं, बिल्कुल भी हया नहीं। तुम्हारे बेटे को मारा तुम्हें कितना दुख हो रहा है आज? छोड़ो जाने दो बच्ची, इसको तुम दिन रात मारती हो। जो भी हो आज के बाद अगर कभी किए अपने पोती के साथ या अपने पतों के साथ तो देख लेना, कुछ भी अगर की ना हरकत तो समझ में आ जाएगा। जाओ जाओ इन तीनों घर पे आके बाद में जाओ, निकलो यहाँ से। अला 50,000 रुपया चाहिए था इनको। देखा रे खब्बीस, हाँ अला बेशरम इंसान, खब्बीस की औलाद खब्बीस। साला छोटी लक्ष्मी आई तुम्हारे घर में, कम से कम इज्जत तो कर इसका। मेरी बच्चियों को मनुष्य जाने दो, छोड़ दो उसको, जो भी है माफ करो। जाओ बहन चलो। और देख एक खबीस, ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ समझे, ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि इस छोटी बच्ची का जो हिम्मत दिखाया ना, आज ईंटा उठा के अपनी दादी पे हाथ उठाना चाह रही थी ये। ऐसा हिम्मत हर बच्ची दिखाए, हर मतलब छोटा छोटा बच्चा उसको समझ में आए गलत क्या है सही क्या है, उसको समझ में आए और वो सही कदम उठाए। सही समझे, जाओ सबको लेके घर पे।